Assalamu alaikum, viewers, and welcome back to my channel Study Law with Pushra. So, in today's video, we are going to discuss the topic of cancellation of instruments. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates.

हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इंस्ट्रूमेंट्स किसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स मींस अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट कन्वेज द राइट ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन यानी कि कोई भी आपने जो लीगल डॉक्यूमेंट तैयार किया है अपना कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो डीड प्रिपेयर की है उसे इंस्ट्रूमेंट कहते हैं और अब ये कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की रेमेडी आपको कब मिलती है कि जब कोई इंस्ट्रूमेंट फौज तरीके से तैयार किया गया है धोखा से जाली तैयार किया गया है जिसको हमारे अगेंस्ट यूज किया जा सकता है और यूज करने के साथ अगर उससे उस बंदे को किसी तरह का कोई भी नुकसान हो रहा है तो ऐसी सूरत में जिसके साथ फ्रॉड करके कोई जाली एग्रीमेंट तैयार किया हो वो कोर्ट के अंदर जाकर सूट फाइल कर सकता है फॉर कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अब हम इसके रेलिवेंट के अकॉर्डिंग इसको पढ़े तो सबसे पहले आता है सेक्शन थर्टी नाइन सेक्शन थर्टी नाइन क्या कहता है ऑर्डर थर्टी नाइन का टाइटल कहता है कि कब कोर्ट कैंसिलेशन का ऑर्डर कर सकती है कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिनमें कोर्ट की तरफ से इंस्ट्रूमेंट की कैंसिलेशन का ऑर्डर पास किया जा सकता है सो सेक्शन थर्टी नाइन के अकॉर्डिंग एनी पर्सन अब यहां पर कोई स्पेसिफिकली पर्सन के बारे में नहीं बताया गया डॉक्यूमेंट इज वॉय और वॉयडेबल पहली बार कोई भी ऐसा बंदा जिसके अगेंस्ट कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट कोई रिटर्न इंस्ट्रूमेंट जो है वो तैयार किया गया है जो कि वॉइड है

रीजनेबल अप्रीहेंशन अब जिस बंदे के अगेंस्ट जाली तरीके से ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है साथ ही साथ उसको ये है, उसको ये ये है, डर है अब क्या डर है दट सच इंस्ट्रूमेंट इफ लेफ्ट आउट स्टैंडिंग मे कॉज हिम सीरियस इंजरी उसको ये लगता है कि अगर जो ये जाली डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है इसको कैंसिल ना करवाया गया तो वो डॉक्यूमेंट इसके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है और इसके अगेंस्ट यूज होने के बाद वो डॉक्यूमेंट इसको कोई नुकसान पहुंचा सकता है कोई ऐसा नाकाबले तलाफी नुकसान जिस, जिसका अजाला करना नामुमकिन है तो ऐसी सूरत में डेट पर्सन में सू टू तो वो बंदा कोर्ट में जाकर सूट फाइल करेगा फॉर कैंसिलेशन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट एंड उसके साथ ही फिर फर्दर कहा गया है कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन सो एट जज इट एंड कोर्ट में इन इट्स सो इट एंड ऑर्डर इट टू बी डिलीवर अप एंड कैंसल तो फिर कोर्ट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है अब जब कोर्ट के अंदर सूट फाइल हो गया तो कोर्ट के पास उसकी ये स्वाबदीदी इख्तियारा हैं कि के वो केस को देखेगी और अगर तो उसे लगता है सिचुएशन ऐसी है कि इस इंस्ट्रूमेंट का कैंसिल होना चाहिए अगर उसको लगता है केस के फैक्ट्स के को देखते हुए कि अगर इस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल ना किया गया तो इस बंदे को किसी तरह का नुकसान हो सकता है तो फिर कोर्ट इसको कैंसिल करने का ऑर्डर पास कर सकती है सो so, so अभी तक हमने सेक्शन 39 में क्या डिस्कस किया कि कोई भी ऐसा बंदा जिसके अगेंस्ट कोई ऐसी डीड तैयार की गई है जो कि इन टोटल जाली है जो कि उसकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर प्रिपेयर की गई है या कोई डीड जो है वो वॉइडेबल है और साथ ही साथ उस बंदे को यह खदशा भी है कि अगर इस डॉक्यूमेंट को इस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल ना करवाया गया थ्रू कोर्ट तो वो इंस्ट्रूमेंट किसके अगेंस्ट यूज हो सकता है यूज होने के बाद वो इसे सीरियस इंजरी कॉज कर सकता है तो ऐसी सूरत में ये बंदा जाकर कोर्ट में सूट फाइल करेगा फॉर द कैंसिलेशन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट सूट फाइल करने के बाद जब कोर्ट देखेगी तो वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करते हुए अगर उसे लगता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल होना चाहिए तो तो फिर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज करते हुए कर ताकि इस बंदे को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो ये था इस का पहला पार्थ। दूसरा पार्ट क्या कहता है कि इफ द इंस्ट्रूमेंट तो जिस इंस्ट्रूमेंट की कैंसिलेशन के लिए उसने सूट फाइल किया है उस इंस्ट्रूमेंट को ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया गया है अंडर सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो कि हमें बताता है कि किन-किन डॉक्यूमेंट -किन की रजिस्ट्रेशन जरूरी है सो so, अगर तो आपने उस इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर कर दिया है देन द कोर्ट शैल आल्सो सेंड अ कॉपी ऑफ इट्स डिग्री टू द ऑफिसर इन हुज ऑफिस द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन सो रजिस्टर्ड तो ऐसी सूरत में फिर कोर्ट अपनी इस कैंसिलेशन की डिग्री पास करने के बाद इस डिग्री की एक कॉपी उस ऑफिसर को भिजवाएगी जिसके ऑफिस में इस इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर किया गया है और फिर वो ऑफिसर क्या करेगा एंड सच ऑफिसर शेल नोट ऑन द कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कंटेन्ड इन हिज बुक्स द फैक्ट्स ऑफ इट्स कैंसिलेशन और फिर जैसे ही उस ऑफिसर को उस रजिस्ट्रार को ये कॉपी मौसू होगी तो वो इस कॉपी को उस इंस्ट्रूमेंट को जहां पर उसने रजिस्टर किया था उसके ऊपर लिख देगा कि कोर्ट की तरफ से इसे कैंसिल किया जा चुका है कोर्ट की तरफ से डिग्री पास हो गई है लिहाजा अब ये इंस्ट्रूमेंट कैंसिल अब हम इस सेक्शन को इलेस्ट्रेशन एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा पहली एग्जाम्पल पहली इलेस्ट्रेशन आप देखें ए एक बंदा है द ऑनर ऑफ द शिप जो किसी शिप का मालिक है by fraudulently representing her to be C worthy induces B to insure her. अब A एक बंदा है जो एक ship का मालिक है वो fraudulently fraud करके दूसरे बंदे को ये कहता है B को कि मेरी जो ये शिप है वो फिट कंडीशन में है ये ट्रेवल कर सकती है और वो उसे कहता है कि वो इसे इंश्योर करे अब जब बी को बाद में इस शिप के बारे में इस फ्रॉड के बारे में पता चलता है कि ए ने उसे ये कहा है कि ये जो शिप है ये बिल्कुल फिट है ये ट्रेवल कर सकती है तो ऐसी सूरत में बी तो में ऑप्टेन देशन ऑफ दी पॉलिसी तो बी कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकता है फॉर दैंसिलेशन ऑफ सच पॉलिसी जो उसने फ्रॉड में आने के बाद ए को प्रोवाइड की थी उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल आ जाती है ए लैंड टू बी ए के पास अपनी एक जमीन है जो कि उसने बी को दे दी है बी फर्दर इस जमीन को सी को देता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है देयर अपॉन बी गेट्स दी पोजेशन ऑफ लैंड एंड अ अस्ट इंस्ट्रूमेंट स्टेटिंग टू बी इंट्रस्ट फॉर हिम और सी क्या करता है अब इस लैंड का पोजेशन हासिल करता है उस पर कब्जा कर लेता है और साथ ही साथ एक जाली डॉक्यूमेंट तैयार कर देता है जिसमें यह लिखता है कि बी ने उसे ये जमीन अमानत के तौर पर दी थी नाउ सी में ऑपटेन द कैंसिलेशन ऑफ दी फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट अब जब सी को डी के इस फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता चलता है तो वो इसकी कैंसिलेशन के लिए सूट फाइल कर सकता है और कोर्ट फिर ऑर्डर पास कर सकती है

फिर अगर वो इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है तो फिर कोर्ट अपनी कैंसिलेशन की डिग्री की कॉपी उस रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजेगी और वो रजिस्ट्रार जो है फिर उस इंस्ट्रूमेंट की रजिस्ट्रेशन के ऊपर ये पेस्ट कर देगा कि कोर्ट की तरफ से इस इंस्ट्रूमेंट की कैंसिलेशन हो चुकी है इस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर दिया है अब ये फर्दर जो है वो कॉन्टिन्यू नहीं होगा उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन फोर्टी के ऊपर सेक्शन फोर्टी क्या बात करता है वट इंस्ट्रूमेंट्स में भी पार्शली कैंसल क्या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो के पार्शियली भी कैंसल हो सकते हैं जुज्वी तौर पर भी उनकी कैंसिलेशन हो सकती है सो सेक्शन फोर्टी कहता है वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज एन एविडेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स और डिफरेंट ऑब्लिगेशंस कि जहां पर कोई एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया है और उस इंस्ट्रूमेंट के एविडेंसेस के बाद ये लगता है कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिफरेंट पीपल के राइट्स और ऑब्लिगेशंस इन्वॉल्व हैं, द कोर्ट मे इन अ प्रॉपर केस कैंसल इट इन पार्ट एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर रेजिड जब एविडेंस से ये चीज क्लियर हो गई तो फिर उसके बाद कोर्ट को अगर ये लगता है कि ये प्रॉपर केस है ये फिट केस है और हाँ इसमें वाकई बहुत सारे लोगों की राइट्स और ऑब्लिगेशंस इन्वॉल्व हैं, तो कोर्ट ऐसी सूरत में उसके कुछ पार्ट को कैंसिल कर सकती है और बाकी को वैसे ही कंटिन्यू छोड़ेगी यानी कि जब एविडेंसेस से एक चीज क्लियर हो गई क्लियर होने के बाद कोर्ट को भी ये लगता है कि ये प्रॉपर केस है तो वो उसके कुछ हिस्से को कैंसिल कर देगी और बाकी हिस्से को उसी तरह छोड़ देगी आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी हु इंडोरसेस इट टू सी बाय हुम इट अपियस टू बी इनडोर्स टू डी ई अब ए ने क्या किया एक बिल इंडोर्स किया बी की फेवर में बी ने फर्दर किसकी फेवर में इंडोर्स किया सी की फेवर में अब ऐसा लगता है कि सी ने फर्दर इंडोर्स किया है इसको डी की फेवर में और डी फर्दर कर रहा है ई e की फेवर में लेकिन बाद में यह चीज साबित होती है दैट सी इंडोर्समेंट इज फोर्स कि सी ने ऐसी कोई इंडोर्समेंट नहीं की और ये जो इंडोर्समेंट डी के फेवर में हुई है ये बिल्कुल जाली है तो फिर ऐसी सूरत में में जब सी ने कोर्ट चीज प्रूफ कर दी तो सी इज इंटाइटल टू हैव सच इंस्ट्रूमेंट कैंसिल लिविंग द बिल टू स्टैंड इन अदर रिस्पेक्ट सी ने कैंसिलेशन का सूट फाइल कर दिया ये चीज कोर्ट में प्रूफ कर दी कि उसने डी के फेवर में कोई इंडोर्समेंट नहीं की तो फिर जो डी के फेवर में और डी ने फर्दर ई के फेवर में इंडोर्समेंट की है कोर्ट उन सारी इंडोर्समेंट्स को कैंसिल कर देगी यानी तौर पर जो आगे वाली इंडोर्समेंट है वो कैंसिल हो जाएंगी और जो पहले इंडोर्समेंट हुई है ए ने बी के फेवर में की और उनकी हद तक कैंसिलेशन हो जाएगी अब उसके बाद आती है सेक्शन फोर्टी के ऊपर सेक्शन फोर्टी क्या कहती है देखें तो इसका टाइटल वही बात कर रहा है जो हमने अपनी पिछली वीडियो में सेक्शन 38 में बात की थी सेक्शन 38 में जब हमने कहा था रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो कोर्ट फिर इक्विटी की बेसिस में फैसला करेगी अब इसमें क्या कहा गया है सेक्शन फोर्टी में On adjudging the cancellation of instrument, the court may require the party to whom such relief is granted to make any compensation to the other which the justice may require. अब जिस बंदे ने कोर्ट के अंदर ऑफ इंस्ट्रूमेंट का सूट फाइल किया था उसके फेवर में जब कोर्ट ऑर्डर पास कर देती है जब कोर्ट डिक्री पास कर देती है और उसके बाद अगर कोर्ट को ये लगता है कि दूसरी पार्टी को इस कैंसिलेशन से किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है तो फिर कोर्ट उस प्लेंटिव को जिसने कोर्ट के अंदर सूट फाइल किया था जिसके फेवर में डिग्री पास हुई थी उस प्लेंटिव को ये कहेगी कि वो फर्स्ट पार्टी को कंपनसेट करे उसे कुछ मुआवजा दे ताकि जो जस्टिस है वो ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी प्रीवेल करे यही बात हमने सेक्शन 38 में भी पढ़ी थी रिसेशन के मामले में भी कि अगर तो के इसके ऑर्डर पास करने के बाद कोर्ट को लगेगा कि सेकंड पार्टी को नुकसान हो रहा है तो सेकंड पार्टी के नुकसान की तलाफी करने के लिए कोर्ट फर्स्ट पार्टी को कहेगी कि वो इस सेकंड पार्टी को किसी भी तरह की कंपनसेशन प्रोवाइड करे ताकि बराबरी की बुनियाद पर फैसला हो सो so ये थी हमारी आज की डिस्कशन कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सेक्शन थर्टी से फोर्टी तक आई होप की आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो सो so अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन अल्लाह हाफिज